The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मुख्यमंत्री रहते हुए पहले शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों पर मेहरबान थे, अब सीएम मोहन भी लाडली बहनों पर खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ही सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को खाते में योजना की 15वीं किस्त डाली थी, जिसमें सीएम ने 250 रुपये अतिरिक्त बहनों के खाते में राखी के नेक के तौर पर डाले थे। इसके बाद अब सीएम ने एक और ऐलान टीकमगढ़ के लिए लाडली बहनों के लिए कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बहनों को अभी तो 1250 रुपये मिल रहे हैं, आने वाले समय में हम बहनों के रोजगार के लिए नए साधन खड़े करने वाले हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में लाडली बहना को 10 से 15 हज़ार रुपये महीना तक दिलाने की योजना बना रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़ में कहा कि विंध्यवासिनी माई और सबके आशीर्वाद के साथ लगातार जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, अभी तो 1250 रुपये मिल रहे हैं, आने वाले समय में इतने पैसे हम सब देने वाले हैं, बहनों के लिए उनकी रोजगार के साधन खड़े करने वाले हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में लाडली बहना को 10 से 15 हज़ार रुपये महीना तक दिलाने का यह ट्रेनिंग भी दिलाने की हमारी सरकार की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि बहनों के लिए आगे बढ़ करके जो अच्छा कर सकते हैं वह जरूर करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सिंह सरकार द्वारा चालू की गई लाडली बहना योजना के तहत शुरुआत में 1000 रुपये लाडली बहनों को दिए गए थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने का वादा किया था, लेकिन अभी केवल 1250 ही दिए जा रहे हैं। लेकिन सीएम मोहन ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि लाडली बहनों को 15वीं किस्त में 250 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे, जो कि उनकी ओर से रक्षाबंधन का नेग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द माया इंटरनेशनल स्कूल एम्स टू ब्रिंग होलिस्टिक लर्निंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस एंड सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट इन द क्लासरूम एनवायरमेंट। New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.